वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री शशांक। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही बेसिक सा ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं तो उनके बारे में समझेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, हाउ डू दे लुक लाइक, कितनी क्लासेज होती हैं, उनकी जैसे क्लासीफिकेशन का मैं फ्लो चार्ट लेके आया हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि हमारे पास जो अगर मैं बताऊँ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो ठीक है, वो दो कैटेगरी के होते हैं, ब्रॉड कैटेगरी बता रहा हूँ ब्रॉड। तो वी हैव दिस एलिफैटिक, एक हमारे पास एलिफैटिक होते हैं और एक हमारे पास क्या होते हैं एरोमेटिक। तो एलिफैटिक का तो हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग एरोमेटिक का लेके आए हैं, एरोमेटिक के बारे में समझते हैं। अगर आपको एलिफैटिक के बारे में फिर से जानना हो तो यू कैन जस्ट कमेंट मी, आई कैन गिव यू द डिटेल फ्लो चार्ट क्लासीफिकेशन ऑफ एलिफैटिक एज वेल। बट अभी के लिए हम लोग आज एरोमेटिक पर चलते हैं, एरोमेटिक को देखते हैं। तो वॉट वी हैव दिस एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक वर्ड का अगर मीनिंग देखा जाए तो एरोमेटिक इज समथिंग विच हैज़ एरोमा। ठीक है, एरोमा का मतलब क्या होता है, स्मेल। ठीक है, तो ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ये कहीं ना कहीं थोड़े से स्मेल वाले होते हैं। आपको ऐसे कंपाउंड, इनमें जितने भी कंपाउंड होंगे उनके अंदर खुद की स्मेल होती है, दे आर नॉट ओडरलेस। तो ओडरलेस नहीं होते, स्मेल होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो इनको ब्रॉड कैटेगरी में हमने डाला है। फर्स्ट वी हैव दिस बेंजीनॉइड कैटेगरी, बेंजीनॉइड से नाम से समझ में आएगा जिनमें बेंजीन वाले कंपाउंड होंगे। सेकेंड कैटेगरी वी हैव नॉन बेंजीनॉइड कैटेगरी और थर्ड वी हैव हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। एरोमेटिक कैरेक्टर को अगर पता भी करना हो तो एक रूल होता है, वी हैव दिस हकल रूल। तो हकल रूल से भी पैरामेट्रिसिटी पता चलती है, जिसमें क्या होता है वो 4n+2π इलेक्ट्रॉन वाला, उसके ऊपर मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मैं बता रहा हूँ एरोमेटिक कंपाउंड जनरली हकल रूल को फॉलो करते हैं। अब अगर हम बात करें तो हमारी तीन कैटेगरी है, वी है बेंजीनॉइड कैटेगरी, नॉन बेंजीनॉइड कैटेगरी और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग देखिए समझ लेते हैं। तो क्या होता है, बेंजीनॉइड में हमारी फर्दर दो क्लासिफिकेशन हो रही है। बेंजीनॉइड में फर्दर दो क्लासिफिकेशन कौन सी है, एक हमारी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक सिंपल एरोमेटिक नॉन हाइड्रोकार्बन वाली। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो ऐसी रिंग, ऐसी बेंजीन की रिंग जिस पर क्या हो रहा है, वी हैव दिस बेंजीन रिंग, जिस पर सिर्फ हमारा जो ग्रुप लगा होगा कोई भी अगर, तो वो हमारा ये कार्बन या हाइड्रोजन बेस्ड ही लगा होगा। इसके अलावा वी डोंट हैव एनी हेट्रो एटम हियर, कोई COH नहीं होगा, CHO नहीं होगा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आपको हाइड्रोकार्बन और उससे रिलेटेड ही जो सब्सिट्यूएंट मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन के अलावा उसके अलावा कोई सब्सिट्यूएंट नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ज़ाइलिन दिया हुआ है, स्टायरिन दिया हुआ, आपको ये तीनों के तीनों दिखाई पड़ रहे होंगे। ये तीनों आपके कैसे हैं, आपके सब्सटीट्यूटेड हैं, बट दे आर सब्सटीट्यूटेड विद हाइड्रोकार्बन्स ओनली। इनके पास आपको और कोई एटम नहीं दिख रहा, ऑक्सीजन नहीं दिख रहा होगा, नाइट्रोजन नहीं दिख रहा होगा। तो वी हैव दिस बेंजीन, बेंजीन प्लस सब्सटीट्यूशन विद एरोमेटिक विद हाइड्रोकार्बन। तो ऐसी रिंग्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे टाइप के होते हैं ये, इसमें ये सिंगल रिंग वाले भी होते हैं और ये फ्यूज रिंग वाले। फ्यूज रिंग मतलब एक साथ दो दो रिंग, जैसे नेफ्थिलीन, फिनेथ्रीन, एंथ्रासीन, तो ये सारे में क्या होते हैं आपके फ्यूज रिंग्स होती हैं, एक से ज़्यादा रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज मल्टी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इनको हम लोग बोलते हैं सिंगल वाले को, सिंगल वाले सिंगल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा ये सेकेंड जो कैटेगरी है, दिस कैटेगरी इज फिनॉल फंक्शनल ग्रुप विद अपार्ट फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब कि हमारे पास बेंजीन रिंग रहेगी, बेंजीन रिंग में अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, हाइड्रोकार्बन के अलावा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल OH हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल CHO हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन हैव दिस COH हो सकता है। तो ये सारे क्या हो गए आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही होंगे, एरोमेटिक विथ फंक्शनल ग्रुप्स अदर देन हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन छोड़ के बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे, वो सारे यहाँ पर आपके बेंजीन के ऊपर लगे होंगे। इनको हम लोग सेकेंड कैटेगरी ऑफ बेंजीनॉइड कंपाउंड बोलते हैं। तो ये दो कैटेगरी होती है हमारी बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की, जिसमें बेंजीन प्रेजेंट रहता है, बेंजीन आपका कोर में होगा, उसके अलावा आपका कोई और सब्सिट्यूमेंट लगा होगा। सेकेंड कैटेगरी होती है हमारी नॉन बेंजीनॉइड की। नॉन बेंजीनॉइड की कैटेगरी में क्या होता है हमारे, जो हमारे बेंजीन जैसे नहीं होते बट एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एजुलीन, ट्रोपोलोन। ठीक है, ये आपको कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे किसमें, क्या कहते हैं, जब हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स को पढ़ते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा ये ट्रोपोलोन या एनुलिन या एजुलिन वगैरह कंपाउंड मिल जाएंगी। 7 मेंबर की रिंग होती है, ट्रोपेन की रिंग होती है, वो मिल जाती है। तो दे ऑल आर एरोमेटिक होती हैं, बट दे आर नॉन बेंजीनॉइड, क्योंकि इनके अंदर आपको दिख रहा है बेंजीन का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो इनको नॉन बेंजीनॉइड बोलते हैं। थर्ड कैटेगरी होती है हमारी, जो हमारी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इसमें बेंजीन हो ना हो उससे मतलब नहीं, हमारे हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि जो रिंग के अंदर एक हमारा हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल फ्यूरेन है, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है,
पायरोल है, यहाँ पे हमारा क्या मौजूद है, ये क्या कहते हैं, एनएच प्रेजेंट है, ठीक है। देन सेम वी हैव दिस, एक तीसरा होता है हमारा इसका थायोफिन, यहाँ पे एस मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एस मौजूद, तो ये होता है थायोफिन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी रिंग में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा वी हैव सम अदर हेटरो एटम ऑल्सो प्रेजेंट इन द रिंग, इन साइड द रिंग ओनली, ठीक है। वो रिंग से अटैच होता है कार्बन की जगह पे। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। वी हैव मल्टीपल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें भी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होते हैं, बट यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, एरोमेटिक हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर एरोमेटिक क्लासिफिकेशन आ जाए कभी आपके पास, राइट अबाउट द एरोमेटिक कंपाउंड, तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर जितना भी कंटेंट है, इससे बाहर आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता नहीं है। तो आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाकर जब भी आप स्टार्टिंग करते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आप 10th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो, 11th में, या आप बीफार्म में हो या बीएससी के बच्चे में, तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आता ही आता है क्वेश्चन में। तो उस टाइम पे व्हाट यू कैन डू, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे आप ये कर सकते हो कि इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो फ्लो चार्ट है, फिर एक एक फ्लो चार्ट में एक एक का पार्ट लिखते जाओ, उसके बारे बाद उसका एग्जांपल आप करते जाओ। तो इस तरीके से आपका ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। सो देर इज़ नथिंग मोर दैट कैन बी एडेड, इनको ही आप एक्सपैंड करके आप आंसर्स को बढ़ा सकते हो। बट कैटेगरी वाइज बात करूँ तो कैटेगरी में ये कैटेगरी मोर देन सफिशियंट है, यू डोंट नीड टू गो बियॉन्ड बियॉन्ड दिस कैटेगरीज, इन कैटेगरीज के अलावा आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस विल बी मोर अबाउट योर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। एरोमेटिक का मैंने मतलब समझा दिया है, विच इज़ हैविंग सम एरोमा, स्मेल होती है, एंड दे फॉलो दी हक्कल रूल। दूसरा रूल होता है एरोमेटिक का कि दे फॉलो हक्कल रूल, वो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, बहुत ही कंसाइस सा वीडियो बनाया था, छोटा सा, ताकि आप जब, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब आप पढ़ रहे हो तभी इसको पढ़ रहे हो, आप यू कैन वॉच इट एनी टाइम। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ज़िंदगी भर याद रह सकता है अगर आप केमिस्ट्री से डील कर रहे होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से वी कैन हैव दिस क्लासिफिकेशन, एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल बाई नाउ, सो दैट यू कैन वॉच दिस अमेजिंग मिनी वीडियोज़। और डिटेल्ड भी वीडियोस आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे, साथ साथ आपको कंसाइज वीडियोस, कुछ शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे कुछ बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। अगेन आई विल बी सून स्टार्टिंग विद द शॉर्ट्स ऑल्सो, मैंने शॉर्ट्स अभी कुछ टाइम से बंद रखा हुआ है, बट आई विल टू स्टार्ट दिस शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट्स, जिसमें मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको एक एक मिनट में सॉल्व करेंगे, जिससे आपका और प्रैक्टिस बनेगा। सो फॉर नाउ आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट, प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।